अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फूड विद आयशा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन कोफ्ते बनाने वाली हूँ। जी हाँ, और जो है वो मेरे बहुत सारे फैंस ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमको जो है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही झटपट वाले चिकन कोफ्तों की रेसिपी सिखाइए। तो फिर लीजिए, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन कोफ्तों की रेसिपी लाई हूँ। तो फिर चिकन कोफ्ते बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि मैं कोफ्तों के मिक्सचर में क्या शामिल करूंगी। तो फिर कोफ्तों के लिए मुझे ज़रूरत है, कोफ्ते बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो चिकन का कीमा है कि जिसको मैंने वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब कोफ्ते में जो मसाले जाएंगे वो है साबुत धनिया, जो है इसको मैंने जो है कूट लिया है मोटा मोटा। साथ में जाएगी हल्दी है, ये है थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च है, नमक है और ज़ीरा है मेरे पास, और इसके साथ में जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो फिर चलिए, अब मैं आपको जो है सिखाती हूँ कि बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते हम कैसे बनाते हैं। एक ग्राइंडर में मैं कीमे के साथ में ये सारी चीज़ों को साथ में ग्राइंड कर लूँगी और फिर बना लूँगी मैं इस कीमे की बॉल्स। अब ग्राइंडर में मैंने जो है वो चिकन का सारा कीमा शामिल कर दिया है। अब इसमें जाएंगे मसाले, और मसालों के बाद अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है शामिल करने के बाद, अगर आपको लगता है जैसे कि आपके जो कोफ्ते हैं वो टूट जाते हैं, तो आप इसमें 2 चम्मच दही या फिर 2 चम्मच जो है वो भी शामिल कर सकते हैं बेसन। बेसन आप मतलब कि चाहें तो भून लें या फिर आप चाहो तो उसको यूं भी डाल सकते हो। तो मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के बेसन, और बेसन हमारे कोफ्तों के लिए बाइंडिंग का काम करता है। और अब मैं सारी चीज़ों को साथ में ग्राइंड कर लूँगी। अब मैंने सारे मसालों को चिकन के कीमे के साथ अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके कोफ्ते बहुत ज़्यादा नरम, मुलायम और बहुत ही सॉफ्ट बने, तो आप जो है इस पॉइंट पे एक जो है दरमियाने साइज़ की प्याज को मोटा मोटा काट के साथ में 2 हरी मिर्चें जैसे कि मैंने किया हुआ है, ये आप इसमें जो है शामिल कर सकते हैं। और प्याज से और हरी मिर्चों से आपके जो कोफ्ते बनाएंगे आप, उसमें बहुत मज़े का फ्लेवर भी देंगे और कोफ्ते बहुत नरम भी बनेंगे। तो फिर चलिए, अब मैं प्याज और हरी मिर्चों को भी जो है सब चीज़ों के साथ में ग्राइंड कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि कोफ्तों के कीमे का बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा मिक्सचर हमने तैयार कर लिया है। और फिर अब मैं बनाऊंगी जो है कोफ्तों की ग्रेवी, और फिर ग्रेवी बनाने के बाद मैं इस कीमे की बॉल्स बना के ग्रेवी में शामिल कर दूंगी। तो फिर ग्रेवी बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो दही है मेरे पास में, और मैंने दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया है। और मैं इसमें शामिल करूंगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज को, मैंने थोड़े से पानी के साथ में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया था, और मैंने इसका बना लिया है फाइन पेस्ट। अब पेस्ट बनाने के बाद में मैं इसमें शामिल करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, और इसके साथ में जाएगी हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है मेरे पास में तकरीबन 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच भर के, पिसी हुई लाल मिर्च है, और इसमें जाएगा मिक्स साबुत गरम मसाला। और साबुत गरम मसाले में आप देख सकते हैं कि बादियान का फूल लिया है मैंने एक, और इसके साथ में है मतलब कि काली मिर्चें हैं, साबुत काली मिर्चें हैं, लौंग है, ज़ीरा है, और फिर इसमें जाएगा नमक। तो फिर चलिए, अब हम जो है वो कोफ्तों की मज़ेदार सी ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक देगची ली है, और देगची में मैंने जो है तेल शामिल किया है 1/2 कप। अब इसमें जाएगी पिसी हुई प्याज, और पिसी हुई प्याज के साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी सारे साबुत गरम मसाले। और अब मैं प्याज को इतना गोल्डन करूंगी कि प्याज का सारा पानी जल जाए, और जो साबुत गरम मसाले हैं वो प्याज के साथ मिलकर बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू छोड़ें। 2 से 3 मिनट के लिए मैं प्याज को भून लूँगी, और फिर मैं इसमें शामिल करूँगी सारे ड्राई मसाले जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं अभी। अब तकरीबन जो है 5 मिनट के बाद में प्याज जो है अच्छी तरीके से भून चुकी है, और आप जो है मिक्सचर का कलर भी देख सकते हैं कि लाइटिश गोल्डन टोन में हो गया है। अब मैं इस पॉइंट पे इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है शामिल करने के बाद मैं मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए इसको प्याज के साथ में भूनूंगी। अब इसमें जाएंगे सारे ड्राई मसाले,
और ड्राई मसाले डालने के बाद में आपको पता है कि हम लोग को कितने अच्छे तरीके से मसालों को भूनना होता है। और मसाले भूनने के लिए मैं इसमें शामिल करूंगी थोड़ा सा दही जो कि मैंने फेंट के रखा हुआ है। 2 चम्मच मैं इसमें शामिल करूंगी फिटी हुई दही, और फिटी हुई दही के साथ मैं मसालों को भून लूंगी। आप कोफ्तों के मसाले को अच्छी तरीके से जितना भूनेंगे तो जो कोफ्तों का फ्लेवर होगा वो बहुत मज़े का बनेगा और बहुत ही कलरफुल बनेगा, क्योंकि मसाले जो हैं वो ज़्यादा भूनने के बाद ही खुशबू पैदा करते हैं। और तो बस हमको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मसालों को भून लेना है। अब मसाला जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी सारी दही, और दही शामिल करने के बाद अब मैं कीमे की बॉल्स बना के जो है वो इसमें शामिल कर दूंगी। जी फ्रेंड्स, तो अब मैंने जो है वो ग्रेवी में कोफ्ते की बॉल्स बना के शामिल कर दी हैं, और मैं बॉल्स का साइज़ भी जो है वो चेक करवा दूँ। आप देख सकते हैं कि बॉल का साइज़ जो है वो क्या है। तो कोफ्तों की बॉल्स जो है वो आप पर डिपेंड करती हैं कि आप उसका साइज़ जो है वो छोटा या फिर बड़ा जो है वो बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो बिल्कुल ही दरमियाने साइज़ की कोफ्ते की बॉल तैयार करी है। और अब मैं इसको दही के पानी के साथ मैं गला लूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो फिर मैं इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ इसकी फाइनल लुक के साथ। अब 20 मिनट का टाइम जो है वो हो चुका है और कोफ्ते हो चुके हैं हाफ डन। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पॉइंट पे मैं इसमें शामिल कर दूं आलू, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज़ में जो है लोग कोफ्तों के साथ में आलू खाना बहुत पसंद करते हैं। तो फिर जो है अब 20 मिनट के बाद मैं इसमें शामिल करती हूँ आलू, जिनको मैंने धो के छीला है। और छीलने के बाद में एक आलू के मैंने जो है वो 4 पीसेस कर लिए हैं। आलूओं के साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 गिलास पानी, और अब मैं इसको मज़ीद ढक के पकाऊंगी तकरीबन 25 मिनट के लिए। जी फ्रेंड्स, तो अब तकरीबन 45 मिनट्स के बाद में फाइनली कोफ्ते हो गए हैं अब डन, और मैं इसमें शामिल करूंगी हरी मिर्चें। और हम हरी मिर्चों को दम पे शामिल करते हैं बिल्कुल, आप समझो कि 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद मैं इसको रखूँगी दम पे और फिर मैं कर दूँगी इसको डिश आउट। जी फ्रेंड्स, सो फाइनली आपके सामने हाजिर है बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कोफ्ता करी के, जिसमें मैंने जो है शामिल किए हैं आलू भी। और आप प्लीज़ मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह ताला आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को मेरी ये चिकन कोफ्ता करी की रेसिपी बहुत मज़ेदार लगेगी। तो फिर कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मुझे नहीं भूलिएगा, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी मज़ीद और बहुत सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो हैं वो जल्दी मिल जाएं। और अपना जो है बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और आपकी मज़ीद जो है वो कोई फरमाइश हो तो मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ये रेसिपी जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर चलें अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।